नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। 500 वर्षों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। आखिरकार कल यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम मौजूद है झंडेवालान मंदिर में, जहां पर श्री राम जी के आने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी झंडेवालान मंदिर के कुछ नज़ारे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके आने की खुशी में किस तरीके से तैयारियाँ की गई है। यहाँ आप एक बहुत बड़ी ही सैंड आर्ट रंगोली देख सकते हैं, जहाँ पर भगवान राम जी के चित्र को दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं अयोध्या का राम मंदिर दिखाया गया है, और वही सीधी तरफ आप देख सकते हैं कि भगवान राम जी की आकृति भी दर्शाई गई है, और ऊपर लिखा हुआ है प्रभु राम। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर रंगोली बनाई गई है। और इतना ही नहीं, अगर मैं मंदिर के और तस्वीरों को दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सभी के चेहरे पर भगवान राम के आने की खुशी है, और मंदिर को भी बहुत ही सुंदर सजाया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ राम भक्तों से, उनका क्या कहना है, क्या खुशी है उनकी राम जी को लेकर। कल अयोध्या में भगवान राम आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, कैसी? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया, पूरी खुशी है जी, पूरी खुशी है। हम लोग ये हिंदू धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ जी, कल आप क्या विशेष प्रोग्राम रखने वाले हैं अपने घर में, क्या आप भी दीपोत्सव करेंगे? मैम, योगी मोदी जी जो कह रहे हैं जो जलाने के लिए, मतलब ये दूसरी दीपावली समझ लो देश के लिए, और ये होना चाहिए था। हमें विश्वास था इस चीज़ का, पूरी दुनिया विश्वास कर रही है एक दिन राम मंदिर बनेगा जी, और बना है। अच्छा लग रहा है, राम जी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। आप क्या करने वाले हैं कल राम मंदिर के आने की खुशी में? देखिए, वही होगा जो दिवाली में होता है, वैसे ही पूजा पाठ करेंगे, वैसे ही करेंगे। आप भी अपने घर में दिए जलाएंगे? जी क्यों नहीं जलाएंगे, जरूर जलाएंगे। अयोध्या में कल भगवान राम आ रहे हैं, फाइनली 500 वर्षों के बाद भगवान राम जी का आगमन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की खुशी है? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ जी, झंडेवालान मंदिर में भी ये खुशी मनाई जा रही है। आप क्या करने वाले हैं कल अपने घर में? बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग अभी अपने गाँव गलियों में, हमने सब जगह अच्छी जगह से कराया है। हाँ जी, अपने घर में कल का आप भी दिए जलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल जलाएंगे। दूसरों को क्या कहना चाहेंगे? हमने अपनी गली मोहल्ले में सबको जागरूक किया है कि सब अपनी गली मोहल्ले में जाकर गए, हमने भी अपनी गली में सबका काम किया हुआ है। आज हम मंदिर दर्शन करने हैं इसीलिए माता रानी के। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको कल भगवान राम आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल में इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। इतना अच्छा लग रहा है कि राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। हम भी चाहते हैं कि सारे भगवानों को अपना अपना स्थान मिले। ये जो कृष्ण जी के भी है, इनका भी स्थान मिलना चाहिए, राम मंदिर को जैसे मिला है इनको भी स्थान मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे आप, भगवान राम जी आ रहे हैं? भगवान जी आ रहे हैं, हमें कई साल पहले हमारे पिताजी ने हमें दिया था जय श्री राम का नारा, तो हम सन 90 से जय श्री राम बोलते आ रहे हैं, हमारा पूरा परिवार जय श्री राम बोलता है, हमें बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा, हम कुछ व्यक्त नहीं कर सकते कितनी खुशी है। अगर हनुमान होते तो हम छाती फाड़ के गए थे, हमें इतनी खुशी है। कल दीपोत्सव मनाएंगे? जरूर, पक्का पक्का, बिल्कुल जरूर मनाएंगे। हमारे इतने इतने बच्चे हैं, ये हमारे पापा जी हैं, ये भी जय श्री राम बोलते हैं। बाबू बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। लोगों को क्या कहना चाहेंगे कल के लिए? कल के लिए देखो, हम तो यही कहेंगे कि हम तो कहते हैं सारे हिंदू वासियों तो सबसे बोलते हैं कि बहुत अच्छे से मनाइए। भगवान ने जो है ना हमें दूसरी दिवाली का मौका दिया है, पहले एक दिवाली मनती थी, तो दूसरा दिवाली भी हर साल मनानी चाहिए, हर हिंदू को मनानी चाहिए, हर हिंदू को बहुत अच्छे से राम जी का स्वागत करना चाहिए, तस्वीर भी लानी चाहिए, अपना बहुत अच्छे दिए बनाने चाहिए। इसीलिए बहुत जय श्री राम, बहुत अच्छा। क्या कहेंगी माता जी, कल राम जी आ रहे हैं, कैसी खुशी है? बहुत इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, इतनी खुशी है उनकी कि हम तो शुरू से ही श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, बहुत खुशी है। राम जी के लिए कुछ शब्द कहेंगी? हाँ जी, बहुत अच्छा भगवान जी हमारे बता रहे हैं, इनकी स्थापना हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान जी इस घर घर बधा रहे हैं सब। आप भी दिवाली मनाएंगे? दिवाली दीपावली खूब अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, इतने सालों की तपस्या है सबकी जो आज जाके पूरी हुई है, तो मैं चाहूँगी पूरे
दरबार में सब लोग दर्शन करने जाए, पूरे मन से जाए, जो श्रद्धा जो है सबकी सब वहाँ पे निकाले, अपनी सब मनोकामना उनकी सबकी पूरी हो। जय श्री राम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि झंडे वालान मंदिर में किस तरीके से भक्तों में भी एक अलग ही उत्साह है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कीर्तन भजन भी हो रहा है। अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूँ तो आप देख सकते हैं कि झंडे वालान मंदिर में किस तरीके की तैयारियाँ की गई है। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार जमा होती जा रही है और कल के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर अलग ही तैयारी की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल की तैयारी के लिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ झांकियाँ भी लगाई गई हैं और यहाँ पर एक राम दरबार भी सजाया गया है। देख सकते हैं आप इस राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हैं और वहीं पर हनुमान जी भी हैं। ये पूरा राम दरबार भगवान जी के आगमन के लिए सजाया गया है और यहाँ पर कल श्रद्धालु आकर दर्शन कर सके, उनको साक्षात अयोध्या के दर्शन यहाँ पर हो सके, पूरे इंतज़ाम यहाँ पर झंडे वालान मंदिर में किए गए हैं। आपको मैं जानकारी दे दूँ कि कल भगवान श्री राम जी के आने की खुशी में झंडे वालान मंदिर में जेपी नड्डा जी भी आने वाले हैं, जो यहाँ पर सीधा लाइव प्रसारण देखेंगे राम उद्घाटन का। चलिए और श्रद्धालुओं से बात करते हैं, कल भगवान राम आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। 500 वर्षों का इंतजार कर रहे हैं मतलब। तो कल क्या दीपोत्सव मनाएंगे? दीपोत्सव मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। कैसा लग रहा है माता जी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। कब से इंतजार था आपको भगवान राम का? हम गए थे अयोध्या, हमें टेंट में देख के हम खुद रोए थे, हमारा दिल बहुत रोया देख के। आज हमें बहुत खुशी हुई है, अत्यंत खुशी है जो हमारे भगवान महल में आ रहे हैं। बहुत बहुत जब टेंट में भगवान जी थे तो आपने उन्हें खुद देखा था और अब उनको फाइनली उनका घर मिल गया, बहुत खुशी है हमें, बहुत खुशी है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप, देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने उसमें सहयोग दिया है, जिन्होंने बनवाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 500 वर्षों के बाद आखिरकार कल अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, इसको लेकर झंडे वालान मंदिर में भी बहुत सारी तैयारियां की गई हैं, तो कल क्या क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से झंडे वालान मंदिर में रामोत्सव मनाया जाएगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। वास्तव में भारतवर्ष और सनातन समाज के लिए कल का जो दिन है वो एक अद्वितीय घटना है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बनकर तैयार है, सारा भारत राममय हो रहा है, तो सभी जगह खुशी है। झंडे वाला मंदिर में भी बड़ा खुशी का माहौल है, बड़ा उत्सव का माहौल है। इसको हम दो चरणों में इसको कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम हमने 21 तारीख यानी आज के लिए रखे हैं और कुछ कार्यक्रम जो है वो कल के लिए रखे हैं। आज राम दरबार की स्थापना, कलश यात्रा, कीर्तन, मंदिर की सजावट, ये सारे कार्यक्रम जो है ये आज के रखे हैं और कल जो है कल दिन भर के कार्यक्रम हमारे रहेंगे। सवेरे 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ रहेगा, उसके बाद 11 परिवार जो है वो राम लला का अभिषेक करेंगे राम दरबार के सामने। उसके बाद लाइव कार्यक्रम जो है वो हमने 3 स्क्रीन यहाँ पर बड़ी बड़ी लगाई हैं, उनके ऊपर सारी जनता के लिए वो कार्यक्रम प्रसारित होगा। उसके बाद भक्तों का वो कुछ कलाकारों द्वारा भगवान राम का गुणगान होगा। 5 बजे से 7 बजे तक 11,000 दिए हम यहाँ पर जलाएंगे, भक्त भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो 11,000 दियों से हम एक भव्य दीपावली मनाएंगे। 8 बजे आतिशबाजी होगी जिसमें ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल होगा। दिन भर प्रसाद के रूप में पीला लड्डू नारियल का वो दिन भर बटेगा भक्तों के बीच में। हमने लगभग 30,000 से 35,000 लड्डू हमने बनाए हैं और यदि और भी आवश्यकता हुई तो वो भी उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। तो इस प्रकार मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है, एक बहुत सुंदर रंगोली बनाई गई है, वो हमारे
मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बच्चियां हैं, उन्होंने रंगोली बनाई है। तो एक खुशी का वातावरण है, चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। झंडे हमने सारी तरफ लगाए हैं, उससे एक अलग ही एक उत्सव का माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हमने पूरी तैयारी की है भगवान राम के अपने स्थान महल में विराजने की। हम पूरी तैयारी है, स्वागत है, और हम सब बहुत हर्षित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। एक संदेश देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम देशवासियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि भगवान राम आ रहे हैं तो उनके जो मर्यादा उन्होंने स्थापित की हैं उनका हम पालन करें, ताकि देश में राम राज्य की स्थापना वो हो। वैसे तो अभी बहुत सारा जो माहौल है वो राम राज्य की तरफ चल रहा है, लेकिन ये हम सबका कर्तव्य है, सभी देशवासियों का, कि भगवान राम के दर्शन करें और उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित करी हैं उनको भी अपने जीवन में अपनाएं, ताकि ये भारत जो है ये राम राज्य की ओर जाए और यहाँ पर सुख शांति हो, सभी समृद्ध हों, ऐसी हमारी कामना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से झंडे वलान मंदिर में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए तैयारियां की गई है। पूरा झंडे वलान मंदिर राम जी के उद्घाटन और राम जी के आगमन के लिए सज चुका है। राम मंदिर जिसका बरसों से इंतजार था, 500 साल के बाद आखिरकार कल वो दिन आ ही रहा है। और इसी अवसर पर सारे ही जगहों पर, चाहे वो दिल्ली हो या दिल्ली के अलावा और भी भारत के कितने ही राज्य क्यों ना, हर राज्यों में अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई है। तो यहां पर राम मंदिर के उद्घाटन की पूरी पूरी तैयारी की गई है। इसी तरह के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए मैं बनी रहूंगी आपके साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ द फ्रीडम न्यूज़।